एक बार भगवान विश्वकर्मा ने दो बड़े ही दिव्य धनुषों का निर्माण किया था, जिनके नाम थे सारंग और पिनाक। यह दोनों धनुष भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीची की हड्डियों से बनाए थे, जिससे उन्होंने देवराज इंद्र का वज्र बनाया था। और इन्हीं महर्षि दधीची की हड्डियों से ही अर्जुन के धनुष गांडीव का भी निर्माण हुआ था। यह दोनों धनुष सारंग और पिनाक बड़े ही दिव्य और श्रेष्ठ धनुष थे, इसलिए इनमें से एक धनुष जिसका नाम सारंग था वह भगवान विष्णु को दे दिया गया था, तथा दूसरा पिनाक नामक धनुष भगवान शिव को दिया गया था। भगवान शिव ने अपने इस पिनाक नामक धनुष से महान पराक्रमी राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। आप सब लोग देवी सती के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान होने के कारण अपने पिता राजा दक्ष के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए थे। तब देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने क्रोध में आकर देवी सती के पिता राजा दक्ष के हवन को अपने गणों से तहस नहस करवाकर राजा दक्ष को भी मरवा दिया था। उस समय ही भगवान शिव ने एक बार फिर अपने इस पिनाक धनुष को हाथ में उठाया था और सभी देवताओं से यह कहा था कि तुम लोगों ने मुझे राजा दक्ष के यज्ञ का भाग नहीं मिलने दिया, इसलिए मैं तुम सबके मस्तक काट देता हूँ। यह सुनकर सारे देवता घबरा गए थे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे थे। तब अपनी स्तुति से प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने देवताओं को क्षमा कर दिया था। ऐसे ही देवताओं ने एक बार ब्रह्मा जी से यह प्रश्न कर दिया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कौन अधिक बलशाली है। तब देवताओं की इच्छा समझकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव में विरोध उत्पन्न करा दिया था। विरोध उत्पन्न हो जाने के कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच युद्ध शुरू हो गया था। उस युद्ध को भगवान विष्णु ने अपने धनुष सारंग से और भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक से ही लड़ा था। उन दोनों के घनघोर युद्ध से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। तब सभी देवताओं ने दोनों से शांति के लिए याचना की। देवताओं की याचना से ही उन दोनों का युद्ध रुक गया था। तब भगवान शिव ने अपना वह पिनाक नामक धनुष राजा जनक के एक पूर्वज राज्य ऋषि देहरात के हाथों सौंप दिया था, जिसे भगवान श्री राम ने स्वयंवर के वक्त तोड़ दिया था। भगवान शिव की तरह ही भगवान विष्णु ने भी अपने धनुष सारंग का त्याग कर दिया था और उसे भगवान परशुराम के पितामह ऋचिक मुनि को दे दिया था। इसी कारण भगवान शिव जी के धनुष पिनाक के टूट जाने पर भगवान परशुराम यह देखने आए थे कि आखिर उस दिव्य धनुष को तोड़ा किसने, और साथ ही अपने पास रखा भगवान विष्णु का सारंग धनुष भी लेकर आए थे। और उन्होंने श्री राम से यह कहा कि यदि तुम शिवजी के पिनाक धनुष को तोड़ सकते हो तो भगवान विष्णु के इस सारंग नाम के धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ा सकते हो। और जब भगवान श्री राम ने उस सारंग नाम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तो भगवान परशुराम यह समझ गए थे कि भगवान श्री राम ही भगवान विष्णु है, इसलिए वह उस सारंग धनुष को भगवान श्री राम को देकर चले गए थे। भगवान परशुराम के चले जाने के बाद भगवान श्री राम ने उस सारंग धनुष को वरुण देवता को रखने के लिए दे दिया था, और बाद में रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने वह सारंग धनुष वरुण देवता से वापस ले लिया था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी सारंग धनुष से राजा साल और नरकासुर के साथ युद्ध किया था।